जिस हिसाब से जयपुर में देखा जा रहा है, हवा महल विधानसभा में बाल मुकंदाचार्य जिस हिसाब से मतलब एमएलए टिकट मिलने से पहले मंदिर मंदिर ढूंढ रहे थे, जहां पे तोड़ दिए गए उन पे आवाज़ उठा रहे थे। नहीं, महाराज का जो कदम है वो तो सराहनीय कदम है। वो इसलिए कदम उठाया उन्होंने कि वहाँ के जो हिंदू जो प्लान कर रहे थे बाहर में, तो एक चार दीवारी को भी बचाना जरूरी था। और कहीं ना कहीं महाराज को वहाँ से टिकट मिली और जीत के भी आए, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे कार्य करेंगे। और हो सकता है कि संगठन ने भी उनके लिए कोई अच्छा सोच के रखा हो। और हम उम्मीद भी करते हैं महाराज से कि एक सनातन धर्म वाला व्यक्ति अगर हवा महल में अपना एक वर्चस्व कायम करता और पब्लिक के लिए काम करता, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो देखा गया है, अभी नाम चल रहा है वसुंधरा जी का भी चल रहा है, और तो आपको क्या लग रहा है अगर वसुंधरा जी इतनी जल्दी छोड़ पाएंगी सीएम पद? अगर अभी तो संगठन ने तय किया होगा नाम किसका है, और पार्टी से बड़ा कोई संगठन पद नहीं होता है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर तो सबको कायम रहना ही है, और पार्टी के संगठन के विचारधारों पर काम करना है, सबका एक लक्ष्य होता है। अब तय है किसको करना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, संगठन तय करेगा। फिर भी क्या लगता है आप लोगों को कौन बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हम जो चाहते हैं संगठन तय करेगा वो बने। फिर भी आप अब नाम तो बहुत से, नाम के लिए तो सभी नाम है, ऐसे कह रहे हैं तो मैं ही बनना चाहता हूँ, नहीं वो थोड़ी ना चलेगा। वो जो संगठन तय करेगा वही बनेगा। वो